दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के कैंप में जमकर मनाई गई होली, खिलाड़ियों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल, वहीं हार्दिक पांड्या ने भी लगाया रितिका को गुलाल, जिसे देखकर रोहित शर्मा की आंखें फटे के फटी रह गई। तो आखिर अचानक कैसे रितिका को हार्दिक पांड्या ने लगाया रंग, किस अंदाज में हार्दिक ने खेली रितिका के साथ होली, क्यों रितिका को रंग लगाते देख भड़क गया रोहित शर्मा, और कैसे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने खेली है जमकर होली, कैसा था रोहित का रितिका को रंग लगाने पर रिएक्शन, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुंबई इंडियंस के फैंस काफी निराश हुए, लेकिन मुंबई के कैंप में खिलाड़ियों ने जमकर होली खेली, एक दूसरे को खूब रंग और गुलाल लगाए और ये देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। हार्दिक पांड्या से लेकर रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, हर किसी ने खूब होली खेली। मुंबई का कैंप रंग से डूब गया, सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को खूब रंग लगाए और मस्ती की रोहित शर्मा भी खूब मस्ती करते नजर आए, खिलाड़ियों पर पानी फेंकते हुए दिखाई दिए। होली सेलिब्रेट करने के लिए खिलाड़ियों की पत्नियां भी मैदान में मौजूद थी और हर कोई एक दूसरे के साथ खूब होली खेला। इस दरमियान मुंबई इंडियंस के नए नवेल कप्तान हार्दिक पांड्या भी खूब होली खेल रहे थे, तभी वह रोहित शर्मा की पत्नी रितिका को देखकर उनके पास गए और उन्हें भी रंग लगाने लगे, उनके साथ भी खूब होली खेली और यह नजारा देखकर रोहित शर्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह पूरी तरह से दंग थे, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या को खरी खोटी सुना बैठेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और एक साथ मिलकर सबने होली खेली। रोहित शर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ भी खूब इस त्यौहार को एंजॉय करते हुए नजर आए। होली खेलने वाली वीडियो भी उनकी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, हर कोई खूब पसंद कर रहा है। रोहित शर्मा के फैंस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या पर भड़के हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि हार्दिक ने रितिका को भी रंग लगा दिया और वो नहीं चाहते थे कि हार्दिक कुछ ऐसा करे उनके परिवार के साथ। लेकिन हार्दिक अपनी हरकतों से मजबूर है। हार्दिक ने माई कैंप में सभी खिलाड़ियों और परिवार के साथ जमकर खूब होली खेली और सभी खिलाड़ी खूब मस्ती किए, एक दूसरे को पानियों से भी नहलाया और रंग गुलाल खेला। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे बेहतर कप्तान, खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल के छठवें ही मुकाबले में दिख गया इस लीग का सबसे रोमांचक मैच। अपनी टीम पंजाब को शिखर धवन ने दिलाई खतरनाक अंदाज में शुरुआत, दोपहर मोहम्मद सिराज ने कराई अपनी टीम की मैच में बेहतरीन वापसी। उसके बावजूद पंजाब ने खड़ा कर दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिर बेंगलुरु को कितने रनों का मिला टारगेट, कौन से बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे ये मुकाबला बन गया सबसे रोमांचक, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शिखर धवन और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का छठवां मुकाबला दो खूंखार टीमों के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मेहमान टीम को आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शिखर धवन और उनके साथ जॉनी बेयरस्टो उतरे। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए टीम के सबसे खार गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन शिखर धवन ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। पंजाब के बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर लिए। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए यश दयाल काफी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने इस ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिए थे। इस ओवर में केवल पंजाब ने 2 रन बनाए थे और पंजाब का स्कोर 2 ओवर में केवल 9 रन बन पाया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने खतरनाक अंदाज में शॉट लगाकर उनका स्वागत चौके के साथ किया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को रफ्तार को अंदाज में आगे बढ़ाया। लेकिन मोहम्मद सिराज को बदला लेना बड़े ही आसानी से आता है। उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को चलता कर और पंजाब किंग्स को 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। बेयरस्टो 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन शिखर धवन मैदान में टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए प्रभु सिमरन सिंह मैदान पर आए और आते ही उन्होंने सिराज की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। पंजाब किंग्स का स्कोर 4 ओवर में 1 विकेट पर 24 रन बन चुका था। धवन और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आया अल्जारी जोसेफ, लेकिन शिखर धवन ने उनका स्वागत ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर कर दिया। उसके बाद जो शानदार वापसी की खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, पंजाब के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा था। लेकिन तभी धवन ने इसी ओवर की 5वीं गेंद
पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर एक और चौका जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। टीम के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए यश दयाल इनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर रन को आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। बेंगलुरु के गेंदबाजों पर ये टूट कर प्रहार कर रहे थे, एक के बाद एक कई चौके लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पंजाब किंग्स ने पावर प्ले के 6 ओवर में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। उनके दोनों बल्लेबाज मैदान पर अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अपना विकेट गंवाने का बिल्कुल भी वो डाउन नहीं दे रहे थे। समझ बूझ के साथ मैच को ये खेल को आगे बढ़ा रहे थे। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और वो काफी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाने लगे। पंजाब के बल्लेबाजों को रन बनाना अब काफी मुश्किल हो रहा था। स्टेडियम में बैठे बेंगलुरु के फैंस काफी खुशी से झूम रहे थे। मैदान में कोहली कोहली के नारों से स्टेडियम गूंज रहा था। हर तरफ बेंगलुरु के ही झंडा नजर आ रहे थे। उसी दरमियान प्रभसिमरन सिंह ने कैमरन ग्रीन की 4थी गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर दर्शकों को शांत करा दिया और अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। पंजाब की टीम ने 7 ओवर में 50 रनों का आंकड़ा पार किया। धवन और प्रभसिमरन मैदान पर अच्छे अंदाज में खेल रहे थे, काफी चौके छक्के लगाए जा रहे थे और टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों की घातक बल्लेबाजी और बचे हुए पंजाब के बल्लेबाजों की बैटिंग लाइनअप देखकर तो यही लग रहा था कि बेंगलुरु के सामने पंजाब बड़े ही आसानी से 170 से 180 रनों का लक्ष्य रखने में सक्षम होगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली और शिखर धवन में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों जब मुंबई इंडियंस ने जीते हुए मैच को हार्दिक पांड्या की वजह से गवा दिया तो ये लम्हा देखकर मुंबई इंडियंस के चाहने वाले सभी क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों की पत्नियों ने भी हार्दिक पांड्या को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उनका मजाक बना दिया और फिर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। तो आखिर रितिका से लेकर संजना गणेशन ने यहाँ तक कि देवीशन ने भी क्यों ठहराया हार्दिक को हार का जिम्मेदार, कैसे नताशा ने अपने पति के बचाव में उतर आई, क्या कुछ पत्नियों ने दिया बयान, या सब कुछ हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अब तक आईपीएल में खेले गए सभी मुकाबलों में सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबले गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। यह मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। इस मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के सामने 20 ओवर में केवल 168 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे गुजरात के एक भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। बुमराह ने एक के बाद एक कुल 3 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस के लिए स्कोर हासिल करना चुटकी का काम था, लेकिन गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने मैच को पलट कर रख दिया। पॉकेट डायनेमो ईशान किशन का बिना खाता खोले पवेलियन को रास्ता दिखा दिया। वहीं नमन भी 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गया, जिसके बाद रोहित और ब्रेविस ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और एक के बाद एक गुजरात टाइटंस की गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। खूब चौके छक्के लगाए, लेकिन रोहित शर्मा भी गेंद पर 29 गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के और 7 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं ब्रेविस भी केवल 46 रन के लिए टीम के जोड़ सके। यह मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच गया और टीम को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद थे। अंतिम ओवर में उमेश यादव फेंकने आए पहली गेंद पर उमेश यादव के हार्दिक पांड्या ने शानदार छक्का जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने चौका भी जड़ दिया और मुकाबला रोमांचक हो गया। 4 गेंद में 9 रन की जरूरत थी, लेकिन अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या अपना विकेट गवा बैठे, जिसके कारण मुंबई इंडियंस की टीम में मुकाबला 6 रन से हार गई। हार्दिक पांड्या की गलती देखकर हर कोई उनसे खफा था। मुंबई के फैंस बेहद निराश हो गए। खिलाड़ियों की पत्नियों भी टीम की हार्दिक की बेहद ही भावुक हो गई और फिर सभी ने हार का जिम्मेदार हार्दिक पांड्या को ठहराते हुए बयान दिया। तो चलिए अब हम आपको इन सभी के पत्नियों के बयान सुनाते हैं, क्या कुछ पत्नियों ने बयान देते हुए कहा है।